आज हम बात करने वाले एक ऐसे एक्टिविटी के बारे में जो ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है बल्कि आपके मेंटल वेलबींग पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्टिविटी बिल्कुल फ्री है और आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉकिंग। आपने बिल्कुल सही सुना, वॉकिंग। हमारे फास्ट पेस्ड लाइफ में हम हमेशा भूल जाते हैं कि सिंपल चीज़ें भी कितनी पावरफुल हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 30 मिनट की डेली वॉकिंग आपके हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, फ्रॉम वेट लॉस और बेटर मूड टू इम्प्रूव हार्ट हेल्थ और लोअर रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। वॉकिंग के बेनिफिट्स ट्रूली अमेजिंग है। सो अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग। उसी के साथ साथ हम लोग एड्रेस करेंगे वेरियस कॉमन बैरियर्स रिलेटेड टू वॉकिंग और प्रैक्टिकल इफेक्टिव टिप्स फॉर डेली इफेक्टिव वॉकिंग। बात करते हैं वॉकिंग के फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन। जब आप रेगुलरली वॉक करते हैं आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है जो अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन का मतलब यह है कि आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज को ज़्यादा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो उनके बेटर फंक्शनिंग में मदद करता है। रेगुलर वॉकिंग ऑल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड प्रेशर। जब आप वॉक करते हैं आपके ब्लड वेसल्स एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करता है। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हैं। स्टडीज ने यह भी शो किया है कि दोज हु वॉक रेगुलरली हैव बेटर ब्लड प्रेशर लेवल्स दैन दोज हु डोंट। वॉकिंग आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी मैनेज करने में मदद करती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो डायबिटीज से सफ़र करते हैं। वॉकिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द बॉडीज इंसुलिन सेंसिटिविटी विच मीन्स बेटर ब्लड शुगर मैनेजमेंट। वॉकिंग इज अ ग्रेट वे टू बर्न कैलोरीज। जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आप 100 कैलोरीज पर माइल तक बर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोजाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आप 150 से 200 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं। यह कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने में मदद करता है जो वेट लॉस के लिए ज़रूरी है। मतलब ये आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा बर्न करते हैं तो वेट लॉस नेचुरल है। वॉकिंग आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। जब आप वॉक करते हैं आपकी बॉडी एनर्जी यूज करने लगती है और कैलोरीज बर्न होती है। रेगुलर वॉकिंग से आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है जो रेस्ट टाइम में भी आपको कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है। वॉकिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो आपके बोन्स को मजबूत करती है। जब आप वॉक करते हैं आपके लेग मसल्स और बोन्स पर प्रेशर आता है जो उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है। वॉकिंग प्राइमरली स्ट्रेंथन्स योर लेग मसल्स इंक्लूडिंग द काव्स, क्वाड्रैप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपके लेग मसल्स पर कंसिस्टेंट प्रेशर आता है जो उन्हें स्ट्रॉन्गर और टोन बनाता है। वॉकिंग रेगुलरली इंक्रीजेस योर स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। जब आप रेगुलरली वॉकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ती है जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज में हेल्प कर सकती है। अभी तक हमने वॉकिंग के फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जाना है, आइए देखते हैं वॉकिंग के मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है। इट रिलीजेस एंडोर्फिन्स। वॉकिंग से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि नेचुरल पेन किलर्स और मूड इलेवेटर्स होते हैं। ये आपको अच्छा फील करवाते हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करने में मदद करते हैं। इट रिड्यूसेस कॉर्टिसोल लेवल्स। रेगुलर वॉकिंग आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को भी कम करने में मदद करता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वॉकिंग आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस करके स्ट्रेस को कम करता है। रेगुलर वॉकिंग आपकी नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। अच्छी नींद स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग आपकी नींद के पैटर्न्स को रेगुलेट करता है और डीप और रेस्टफुल स्लीप प्रोवाइड करता है। वॉकिंग आपको डेली रूटीन से ब्रेक देता है और आपको टाइम देता है अपने विचार को प्रोसेस करने और रिलैक्स करने के लिए। यह आपकी माइंड को क्लियर करता है और मेंटल क्लटर को रिड्यूस करता है। रेगुलर वॉकिंग आपके मूड और एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट करता है। यह आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील करवाता है और ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है जो इनडायरेक्टली स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। रेगुलर वॉकिंग इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन। जब आप वॉक करते हैं तो आपके ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है जो कि ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और इससे ब्रेन के ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। रेगुलर वॉकिंग इंक्रीजेस योर एबिलिटी टू फोकस एंड पे अटेंशन। इससे कॉन्सेंट्रेशन और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है जो डेली टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में आपको हेल्प करता है। अभी तक हम लोगों ने वॉकिंग से रिलेटेड फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जाना है, आइए चलते हैं देखते हैं वॉकिंग के सोशल और लाइफस्टाइल हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है। वॉकिंग इनकरेजेस ग्रुप एक्टिविटीज एंड सोशल बॉन्डिंग। जब हम ग्रुप में वॉक करते हैं तो एक अच्छा मौका होता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। वॉक्स प्रोवाइड एन इनफॉर्मल सेटिंग फॉर कन्वर्सेशन। इससे हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बात कर सकते हैं जो कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वॉकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे कहीं भी कभी भी अपने लोकल एरिया में वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग को इजीली अपने डेली रूटीन में इंटीग्रेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस या मार्केट जाते समय वॉक करके जा सकते हैं। वॉक करना कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको एक्स्ट्रा पैसा जिम मेंबरशिप या इक्विपमेंट पर खर्च करने की जरूरत नहीं है।
वॉकिंग सभी एजेस और फिटनेस लेवल्स के लिए सुटेबल है। चाहे आप यंग हो या सीनियर सिटीजन, वॉकिंग आपको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करने वाले हैं वॉकिंग को इफेक्टिव बनाने के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। वॉकिंग एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन कुछ टिप्स को ध्यान में रखना जरूरी है। आइए कुछ टिप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंफर्टेबल सपोर्टिव शूज़ को चूज़ करें। आपके शूज़ आपके वॉकिंग एक्सपीरियंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वॉकिंग को शुरू करें धीरे धीरे। पहले 5 से 10 मिनट वार्म अप करें, जैसे कि स्ट्रेचिंग। वॉक करते समय हाइड्रेटेड रहें, पानी पीना ना भूलें, स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्ग वॉक्स और इन हॉट वेदर। अपने वॉकिंग गोल्स को रियलिस्टिक रखें, डेली स्टेप्स काउंट या डिस्टेंस सेट करें और अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते रहें। अपने वॉकिंग रूटीन को इंटरेस्टिंग बनाइए, डिफरेंट रूट्स एक्सप्लोर करें या डिफरेंट टाइम्स पर वॉक करें। अभी हम बात करने वाले हैं वॉकिंग से जुड़े कॉमन बैरियर्स और उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है। बहुत बार हमें लगता है कि वॉकिंग करना मुश्किल है या हम ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, लेकिन आज हम उस सब को डिस्कस करेंगे। चलिए डिटेल में समझते हैं कैसे। सबसे कॉमन बैरियर होता है लैक ऑफ टाइम। हमारा बिजी स्केड्यूल हमें वॉक करने के लिए टाइम नहीं देता, लेकिन आप अपने दिन के स्केड्यूल को देखकर शॉर्ट वॉक इंक्लूड कर सकते हैं। छोटे ब्रेक्स में भी वॉक कर सकते हैं, जैसे कि लंच ब्रेक या मार्केट में जाने के लिए। मौसम की कंडीशंस भी एक बैरियर हो सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अगर बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल है तो इंडोर एरियाज में वॉक करें। कुछ लोगों को वॉकिंग से रिलेटेड सेफ्टी कंसर्न्स भी होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग लेट इवनिंग्स, इसलिए आप सेफ एरियाज चूज करें और अगर पॉसिबल है तो ग्रुप वॉक को प्रेफर करें। मोटिवेशन की कमी भी एक बैरियर हो सकती है, इसके लिए आप अपने वॉकिंग को इंटरेस्टिंग बनाइए। म्यूजिक सुनते हुए या फ्रेंड्स के साथ वॉक करें, जिससे मोटिवेशन और एंजॉयमेंट दोनों मिल सके। फिजिकल लिमिटेशंस भी आपको वॉक करने से रोक सकती है, इसके लिए आप अपने पेस को स्लो करें, कंफर्टेबल शूज पहनिए और अगर मेडिकल कंडीशंस है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आज हमने देखा कि वॉकिंग के क्या क्या फायदे हैं हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, सोशल इंटरेक्शन, एक्सेसिबिलिटी और ओवरऑल फिटनेस के लिए। ये एक ऐसी सिंपल एक्टिविटी है जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है और हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो आप भी आज से वॉकिंग को अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए छोटे स्टेप से, धीरे धीरे आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट महसूस होगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए।